हेलो फ्रेंड्स। तो बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस है और किस तरह का कोर्स है। तो ये पूरा डिटेल का वीडियो आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने, ताकि जो भी लोग एडमिशन लेना चाहते हैं या ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में डाल दिया है, जिसके अंदर किस तरह की प्रोसेस रहेगी और क्या क्या रहेगा कोर्स में, ये सारी डिटेल आपको इसके अंदर मिल जाएगी। तो हमारा जो ऑनलाइन रिपेयरिंग कोर्स है, उसके कोर्स की डिटेल क्या रहेगी वो मैं पहले बता देता हूँ आपको। सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इसके अंदर आपको बताया जाएगा, यानी कि जितने भी हमारे पार्ट्स हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, उसके बारे में। हालांकि इसके मैं वीडियो यूट्यूब पे ऑलरेडी डाल चुका हूँ, लेकिन समय की वजह से मैंने वो वीडियो काफ़ी छोटे बनाए हैं। तो हम जो डिस्कशन करेंगे उसके अंदर आपको पूरा ये डिटेल के अंदर मिलेगा। दूसरी बात, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका भी मैं ऑलरेडी YouTube पे डाल चुका हूँ, लेकिन इसका और भी डिस्कशन और डिटेल में ये कोर्स के अंदर होगा। फिर आएगा चार्जिंग सेक्शन ऑल टाइम, यानी कि 2G फ़ोन से लेके अभी तक के जितने रनिंग फ़ोन चल रहे हैं, वो सारे के सारे चार्जिंग सेक्शन आपको पहले ब्लॉक डायग्राम उसका बताया जाएगा, फिर स्केमेटिक रीडिंग कैसे करना है, PCB ट्रेस आउटिंग कैसे करना है और फोल्ड फाइंडिंग कैसे करना है, यानी कि हर IC की पिन डिटेल के साथ कहाँ पे आपको कितना वोल्टेज मिलेगा और कौन सा वोल्टेज नहीं आएगा तो आपको कौन सी एरर शो करेगी। तो ये चार्जिंग सेक्शन के पूरी डिटेल आपको इसके अंदर प्रैक्टिकल के साथ बाकायदा सर्किट के अंदर आपको वोल्टेज चेक करके इसका आपको मैं बताऊंगा। दूसरा, ये वीडियो के अंदर हम दिखाएंगे LED सेक्शन। LED सेक्शन 2G फोन से लेके अभी तक के जितने लेटेस्ट फ़ोन चल रहे हैं, उसमें लाइट सेक्शन में कितने बदलाव हुए और किस तरह से हमारी LED लाइट यानी कि डिस्प्ले लाइट किस तरह से काम करती है, उसका भी डिटेल वीडियो जैसे चार्जिंग सेक्शन का है उसी तरह से सारी डिटेल इसके अंदर बताई जाएगी, यानी कि ब्लॉक डायग्राम, PCB लेआउट और वोल्टेज चेकिंग से लेके सब कुछ। और उसके बाद आएगा ग्राफिक सेक्शन। ग्राफिक सेक्शन भी 2G, 3G, 4G यानी कि अभी तक के लेटेस्ट फ़ोन है, वो सारे के सारे फ़ोन का सेक्शन इसके अंदर आपको उसी तरह से बताया जाएगा, स्केमेटिक, PCB रीडिंग और फोल्ड फाइंडिंग से लेके सब कुछ। इसके बाद आपको बताया जाएगा टच सेक्शन। टच सेक्शन के अंदर भी ऑल टाइप मोबाइल आ जाएंगे, यानी कि 2G, 3G, 4G जितने भी टच वाले जितने फ़ोन है, तो वो सारे के सारे उसका टच सेक्शन किस तरह से काम करता है, कैसे उसमें फोल्ड आते हैं और फोल्ड को कैसे सॉल्व करना है, वोल्टेज के साथ लाइव प्रैक्टिकल आपको बताया जाएगा इस वीडियो के अंदर। उसके बाद आएगा सेंसर सेक्शन। सेंसर सेक्शन के अंदर अप्रॉक्सीमेटरी सेंसर है, फिंगर सेंसर है, डिस्प्ले का फिंगर सेक्शन है, हॉल सेंसर है, इस तरह के जितने भी सेंसर आते हैं वो सारे सारे सेंसरों का आपको पूरा डिटेल के अंदर वीडियो आपको इसमें मिल जाएगा। इसके अलावा कैमरा सेक्शन ऑल टाइप, तो जितने भी अभी तक के कैमरा सेक्शन मोबाइल के अंदर आए हैं, यूज़ हुए हैं, वो किस तरह से पहले से लेके अब तक के सारे कैमरा सेक्शन आपको इसके अंदर बताए जाएंगे। जिस तरह से मैंने यूट्यूब के अंदर जैसे चार्जिंग सेक्शन मैंने स्टार्ट किया था और बताया था आपको, तो उसी स्टाइल से ये पूरा एनिमेटेड कोर्स रहेगा हमारा, जिसके अंदर सारे के सारे सेक्शन आपको एनिमेटेड तरीके से बताए जाएंगे। स्कीमेटिक रीडिंग भी बताया जाएगा आपको, प्रैक्टिकली चेकिंग भी बताया जाएगा, हर एक वोल्टेज कैसे चेक करना है, हर एक कंट्रोलिंग कैसे चेक करना है और किस टाइप की एरर में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये सारे के सारे आपको एरर इसके अंदर सॉल्व कराए जाएंगे। उसके बाद सिम कार्ड MMC सेक्शन, यानी आपका इंसर्ट सिम का प्रॉब्लम है या MMC शो नहीं कर रहा है, तो उसका भी पूरा लाइव प्रैक्टिकल आपको दिखाया जाएगा, जिसमें स्कीमेटिक रीडिंग के साथ और PCB ट्रेस आउट के साथ आपको पूरा इसका सेक्शन दिखाया जाएगा। इसके अलावा ऑडियो सेक्शन ऑल टाइप मोबाइल, यानी कि माइक का, रिंगर का, स्पीकर का कोई भी प्रॉब्लम है तो ये सारे सेक्शन किस तरह से वर्क करते हैं, उसमें कितने कितने पार्ट्स आते हैं, कौन सी जगह पे कैसा कौन सा वोल्टेज आएगा और कैसे हमारे ये सेक्शन पूरे काम करेंगे, वो पूरा डिटेल के अंदर इसके अंदर आपको वीडियो मिल जाएंगे सारे के सारे मॉडल के। इसके अलावा ब्लूटूथ, वाईफाई एंड GPS सेक्शन, जिसके अंदर आपको ब्लूटूथ, वाईफाई IC, GPS IC किस तरह से काम करती है, उसको कितने वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, उसमें किस तरह के फॉल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, ये पूरा का पूरा आपको सेक्शन पूरा दिखाया जाएगा लाइव प्रैक्टिकल के साथ। इसके बाद नेटवर्क सेक्शन, जिसके अंदर रिसीविंग कैसे होता है, ट्रांसमिटिंग कैसे होता है, यानी बाहर से जो सिग्नल आते हैं हमारे मोबाइल के अंदर, वो एंटेना से लेके कहाँ कहाँ ट्रैवल करते हैं, वो पूरा आपको ट्रैवलिंग दिखाया जाएगा, जिसको RX और TX सेक्शन हम लोग बोलते हैं। तो ये 2G, 3G, 4G का पहले आपको RX TX सेक्शन बताया जाएगा, फिर PFO की पूरी पिन डिटेल, यानी कि PFO के अंदर कितनी पिनें होती है और कौन कौन सी पिनों पे कौन कौन से वोल्टेज आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा IFIC, जिसको हम बोलते हैं WTR, तो WTR IC की सारी पिन डिस्क्रिप्शन, यानी कि कितने कितने उसमें कहाँ पे वोल्टेज आएंगे, कौन सा उसमें कंट्रोलिंग आएगा, कब आपका सिम लगाने पे वोल्टेज कौन सा दिखाएगा, सिम नहीं लगाओगे तो कौन सा वोल्टेज दिखाएगा,
ये सारा का सारा आपको इसके अंदर आपको बताया जाएगा, यानी नेटवर्क सेक्शन का हर फॉल्ट आप आसानी से सॉल्व कर सकोगे। इसके अलावा आपको पावर सप्लाई सेक्शन, जो कि हमारा मेन सेक्शन है, पावर सप्लाई के अंदर हम बैटरी लगाते हैं तो बैटरी में से वोल्टेज कहाँ कहाँ कितनी जगह पे जाता है, स्टैंड बाय कंडीशन में आपको कितना वोल्टेज मिलता है, पावर स्विच ऑन करने के बाद कितना वोल्टेज मिलता है, और कोई भी सेक्शन ऑन करने के बाद कौन कौन से वोल्टेज निकलते हैं, जिसके अंदर आपको डेड रिपेयरिंग भी बताया जाएगा, यानी कि जिसके अंदर हम बोलते हैं कि डेड मोबाइल स्टेप बाय स्टेप रिपेयरिंग कैसे करना है। जैसे कोई बंद मोबाइल आपके पास आता है तो ओपन सर्किट है या शॉर्ट सर्किट है, उसको ट्रेस आउट कैसे करना है, और अगर ओपन सर्किट है तो आपको क्या क्या चेक करना है, अगर शॉर्ट सर्किट है तो उसको आपको कैसे कैसे क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं, और एक बंद मोबाइल को चालू कैसे करना है। तो ये पूरा कोर्स है, इसमें अगर कुछ चीज़ें छूट गई हो तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इसमें सब कुछ आ जाएगा, कुछ भी आपका बाकी नहीं रहेगा, और पूरे के पूरे सारे सेक्शन आपको लाइव प्रैक्टिकल बोर्ड के अंदर आपको प्रैक्टिकल करके मैं दिखाऊंगा। जैसे मैंने आप मेरा देखोगे बेसिक के अंदर मैंने जैसे रजिस्टर कैपेसिटर डायोड का मैंने जैसे चेकिंग बताया था, उसी तरह से पूरा बोर्ड मैं आपको ट्रेस करके यहाँ पे दिखाऊंगा। तो इसके अंदर पूरे के पूरे सब सेक्शन आपको डिटेल में मिल जाएंगे। तो ये कोर्स हमारा हो गया, इसके अंदर आपको हर वीडियो की लिंक आपको वन बाय वन मिलेगी, यानी कि एक साथ आपको पूरा कोर्स नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि जब सब एक साथ लिंक मिल जाती है तो लोग ये सोचते हैं कि ये तो हमारे पास ही रहने वाला है ना, देखेंगे आराम से, तो उसमें एक वो एक्साइटमेंट नहीं रहती है। तो आपको हर बार एक कोर्स की लिंक दी जाएगी। उसके साथ एक और सरप्राइजिंग बात बता दूँ मैं आपको कि हमारी जो एक सेक्शन की लिंक आएगी, यानी कि एक वीडियो का सेक्शन पूरा मैंने जैसे बता दिया कि कोई सपोज मैंने आईफोन 6 का लाइट सेक्शन दिखा दिया, तो उसका लाइट सेक्शन दिखाने के बाद उस सेक्शन के बाद एक आपको जूम मीटिंग दिया जाएगा, यानी कि जूम मीटिंग का एक आईडी दिया जाएगा और उसकी लिंक आपको मिलेगी, जिसमें आप हर सेक्शन के बाद एक जूम लिंक आपको मिलेगी जो जिसमें हम ओपन डिस्कशन करेंगे, यानी कि जो सेक्शन मैंने आपको वीडियो के द्वारा समझाया है अगर उसके अंदर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रह जाती है तो ये कन्फ्यूजन हम इस जूम मीटिंग के अंदर सॉल्व करेंगे और आपका जो प्रॉब्लम है उसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो ये हर एक वीडियो के बाद आपको एक जूम लिंक दी जाएगी जिसके अंदर आपका जो भी डाउट है वो क्लियर कराने के लिए हम लोग ये जूम लिंक देंगे। इसके अलावा दोस्तों हमारी जो टीम है उसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से लेके सब चीज़ के लिए हमारे पास स्पेशल ट्रेनर है जो आपको हमेशा गाइड करते रहेंगे। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ये आपको ऑनलाइन सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये सब चीज़ें तो एक्स्ट्रा में मिलेगी, तो ये सब आप देख लेना कि इसमें किस तरह का पूरा कोर्स है, और अब देखते हैं हमें आगे और क्या है। इसके अलावा दोस्तों हम लोग सॉफ्टवेयर में भी आपकी पूरी हेल्प करेंगे, यानी कि सॉफ्टवेयर में जो बेसिक फ्लैशिंग और अनलॉकिंग FRP ये सब चीज़ें आ जाएगी। इसके अलावा एडवांस बॉक्स जैसे EasyJetack UEFI वगैरह का यूज़ करके आपको EMC प्रोग्रामिंग के अंदर भी आपको कोई दिक्कत हो तो उसका भी पूरा हम लोग इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। तो ये सॉफ्टवेयर का सपोर्ट भी आपको पूरा मिलेगा, यानी कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पूरा विथ जूम मीटिंग और ये सब चीज़ों के साथ ये पूरा हमारा कोर्स है, जिसके अंदर आपको कहीं कोई जगह पे ट्रेनिंग लेने जाने की ज़रूरत नहीं है। सब आपको घर पे अपने घर पे अपने टाइम पे बैठ के आप कर सकते हो, सिर्फ आपको जूम मीटिंग के टाइम पे आपको टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा सब कुछ टाइम टेबल अपने आप अपने हिसाब से रखिए और आप इसमें जुड़ सकते हैं। कोर्स तो हमारा हो गया, अब कोर्स का ड्यूरेशन हमारा क्या रहेगा, यानी कि कितने टाइम का कोर्स रहेगा। तो मैं आपको बता दूँ कि हमारा कोर्स 3 मंथ का बिल्कुल नहीं है, 6 मंथ का भी नहीं है, 1 साल का भी नहीं है। हमारा जो कोर्स है वो लाइफ टाइम कोर्स है, यानी कि आपको एक बार सिर्फ एडमिशन लेना है इस वीडियो के अंदर, यानी कि हमारी वेबसाइट पे, जिसके बारे में मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। जो हमारी वेबसाइट पे लॉगिन करोगे आप एक बार, मतलब हमारे वहाँ रजिस्ट्रेशन करके आप एक बार मेंबर बन जाओगे मोबीटेक के, उसके बाद जो अभी तक के वीडियो है वो तो है ही, कि जो अभी तक के जितने करंट मॉडल जितने चल रहे हैं वहाँ के तो सब वीडियो आपको मिल जाएंगे, लेकिन इन फ्यूचर जितने भी नए मॉडल आते रहेंगे उसके सारे सेक्शन का डिस्क्रिप्शन इसके अंदर ऐड होता जाएगा। हम लोगों ने एक टारगेट सेट किया है कि हर महीने के अंदर हम 4 सेक्शन ऐड करेंगे इसके अंदर, यानी एक वीक में 1 सेक्शन, यानी कि एक मोबाइल का 1 सेक्शन हम लोग नए मॉडल का ऐड करेंगे, यानी हर महीने के अंदर हम 4 सेक्शन ऐड करेंगे, जिसमें आपको हर महीने 4 सेक्शन आपको नए देखने को मिलेंगे। यानी कि ये कोर्स जो है हमारा वो एंडलेस कोर्स है, यानी ऐसा नहीं है कि 3 महीने 6 महीने में ख़त्म हो गया फिर आपको, अगर आपको अपग्रेड होना है तो अभी आप क्या करोगे, तो ये सब चीज़ें नहीं है। एक बार आप हमारे इंस्टीट्यूट के साथ हमारे मेंबर बन जाओगे तो ये सब चीज़ें
आपको लाइफ टाइम तक मिलती रहेगी और सारा आपको अपडेट मिलता रहेगा लाइफ टाइम के लिए। उसका टोटल फीस हमने रखा है 10,000 रुपीस, जो कि बहुत नॉमिनल फीस है, क्योंकि आजकल के टाइम में आप देख रहे हो 30-40 हज़ार रुपये फीस ले रहे, और उसमें भी आपको कुछ GR VR बता के आपको बोल देंगे कि हो गया आपका 15 दिन में कोर्स, महीना दिन में कोर्स हो गया, तो इस तरह से आपका कोर्स नहीं हो पाता है। आपको पूरा डिटेल में जानना हो तो लंबा टाइम लगेगा, तो ये सब चीज़ें आपको हमारे कोर्स के अंदर मिल जाएगी, और वो भी सिर्फ 10,000 रुपीस के अंदर। तो इतना हमारा ये कोर्स है, तो हमारे कोर्स के साथ आप जुड़िए, और मोबीटेक की हमारी खुद की एक वेबसाइट है www.mobitechonline.com, जिसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको रजिस्टर्ड कैसे करना है। तो आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट में जाके आपको mobitechonline.com इतना आप टाइप करोगे, तो ये देखिए हमारा ये mobitechonline.com, ये हमारा इंडेक्स आ गया। तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं वैसे रखी है, इसके अंदर फ्री कोर्स भी मैंने रखा है, जो कि यूट्यूब वाले वीडियो इसके अंदर आप डायरेक्टली ले सकते हो, लेकिन अगर आपको ज्वाइन करना है तो यहाँ पे हमने ज्वाइनिंग का ऑप्शन रखा हुआ है, जिसमें आप लॉगिंग में जाके कर सकते हो। लेकिन पहले मैं मोबीटेक के बारे में आपको कुछ बता दूं। मोबीटेक इंस्टीट्यूट हमने 2004 के अंदर किया था, ये ग्रुप का हमने निर्माण किया था, यानी कि 2004 में हमने एस्टैब्लिश किया था इसको, और इसके अलावा हमने 2011 तक ऑल गुजरात के अंदर इसकी 14 ब्रांचेस से हमने डेवलप कर दी थी, यानी कि लगभग ऑल ओवर गुजरात हमने कवर कर लिया था, जिसके बड़े बड़े सिटी 14 सिटियों के अंदर हमने इसका एस्टैब्लिश कर दिया था। लेकिन वो फ्रेंचाइजी बेस पे था, और कुछ निजी वजह की वजह से हमने कुछ उसको पोस्टपोन कर दिया, और सारी फ्रेंचाइजी हमने कैंसिल कर दी, क्योंकि क्वालिटी जो हम चाहते थे वो शायद नहीं मिल पा रही थी। इसके अलावा हमने बहुत सारी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम किया हुआ है, जैसे स्किल इंडिया, यानी कि कौशल भारत कुशल भारत, जो एक नरेंद्र मोदी साहब की जो थी, उसके अंदर भी हमने काम किया हुआ है, प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना NSDC, यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उसके साथ भी हमने काम किया है, ये सब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा ONGC के अंदर और वॉकहार्ट फाउंडेशन के साथ भी हमने काम किया हुआ है, जिसके अंदर उनके CSR प्रोजेक्ट जो निकलते हैं उसके साथ हमने काम किया है, और काफ़ी सारा योगदान दिया है हमने। तो ये कोई नई कंपनी नहीं है, मोबीटेक इंस्टीट्यूट काफ़ी सालों से है, और काफ़ी सालों से मोबाइल रिपेयरिंग सिखाते हैं। तो ऑनलाइन का जस्ट अभी हमने अभी लॉन्च किया है, तो इसके लिए मैं आपको ये पूरी डिटेल आपको बता रहा था। अब मैं आपको लॉगिन के बारे में बता देता हूँ कि लॉगिन के अंदर आपको जाओगे तो आप डायरेक्ट लॉगिन नहीं कर पाओगे, आपको लॉगिन के पेज पे जाके पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, तो आप रजिस्ट्रेशन के अंदर जाओगे तो यहाँ आपका पूरा डिटेल दिया होगा, जिसके अंदर आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, ईमेल ID, फ़ोन नंबर, बर्थ डेट, और आपका करंट एड्रेस, सिटी नेम, स्टेट नेम और कंट्री नेम, इतनी चीज़ें आपको डालनी है। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आपको हमें आपके कुछ डॉक्यूमेंट सेंड करने होंगे, जैसे आपका ID प्रूफ है, फोटो है, जो आपको अभी यहाँ पे वो शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा एक WhatsApp लिंक आ जाएगा, जिसके ऊपर आपको ये चीज़ें आपको सेंड करनी है, यानी कि आपका ID प्रूफ और फोटो, ये आपको फिलहाल अभी आप ये नंबर पे सेंड कर सकते हो। इसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्ट WhatsApp का लिंक, उसके अंदर आप क्लिक करके वहाँ पे आप डायरेक्ट सेंड कर सकते हो, और मनी का भी यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि आप रजिस्ट्रेशन फीस अगर देना चाहते हो तो यहाँ से डायरेक्ट ऑनलाइन पेड कर सकते हो, उसके लिए भी यहाँ पे ऑनलाइन का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी, और आपको सपोर्ट मिलता रहेगा हमेशा के लिए, और नए नए वीडियो भी इसके अंदर मिलते रहेंगे, आप अपग्रेड हमेशा के लिए होते रहोगे, तो यानी कि आपको सॉल्यूशन के लिए इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं रहेगी, सारे के सारे सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। और हम लोग मल्टी लैंग्वेज पे भी काम कर रहे हैं, यानी कि अभी सिर्फ हम लोग ने हिंदी में लॉन्च किया है, लेकिन अभी कम से कम 3-4 महीने और लेकिन निकल जाएगा इसमें, लेकिन 3-4 महीने के बाद हम इसमें इंग्लिश भी ऐड करने वाले हैं, यानी कि जिनको हिंदी की प्रॉब्लम है वो इंग्लिश भी मतलब मैं सीख सकता है इंग्लिश लैंग्वेज में जाके भी। तो ये सारे ऑप्शन अब धीरे धीरे ऐड होते जाएंगे। इसके अलावा कुछ सरप्राइज और भी है, यानी कि 2 सरप्राइज और है, लेकिन ये मैं आपको रजिस्ट्रेशन के बाद बताऊंगा, यानी जो लड़के रजिस्टर करेंगे उसको मैं ये सरप्राइज बताऊंगा कि उसकी और दूसरी कौन सी सरप्राइज है। तो उसके लिए आप कॉन्टेक्ट में रहिएगा, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। नमस्कार, गुड बाय।